प्रकृति ने हमें कई खूबसूरती से नवाजा है। प्रकृति की कुछ खूबसूरती मन को मोह लेती है, लेकिन उसमें एक चेतावनी भी होती है। इसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है। अगर आप झारखंड बिहार के रहने वाले हैं और जल स्रोतों के अगल बगल से गुजर रहे हैं तो चारों तरफ एक आपको सफेद सी चादर नजर आएगी। यह सफेद चादर है कास के फूल की। कास के फूल का धार्मिक, प्राकृतिक और व्यवसायिक महत्व है। कास का फूल एक घास प्रजाति का पौधा है और इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट इंडिकेटर भी मानते हैं। कास का फूल खिलने का मतलब है कि बरसात बूढ़ी हो गई है और मानसून जाने वाला है। फिलहाल भादो का महीना चल रहा है और पूरे इलाके में कास के फूल खिल गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड के इलाके में इस बार फिर से सुखाड़ का प्रभाव होने वाला है। 2022 में भी झारखंड के इलाका सुखाड़ से जूझ रहा था। पर्यावरणविद प्रोफेसर डी एस श्रीवास्तव बताते हैं कि कास का फूल का वैज्ञानिक महत्व है। एक तरह से ये क्लाइमेट इंडिकेटर है और लोगों के लिए चेतावनी भी है। इसका ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को बताती है, किसी भी जगह की क्लाइमेट क्या है, उसमें परिवर्तन क्या हो रहे हैं, ये कास की स्टडी से पता चलता है। कास में यदि फूल आ गया, सफ़ेद फूल से ये भर जाता है, तो इसका इंडिकेटर ये है कि अब बरसात खत्म हो गई। इंडिकेटर ऑफ रेन कहते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है जिसमें कास के फूल का जिक्र है। रामचरितमानस में लिखा गया है, फूले कास सकल मही छाई, जनी बरसात प्रकट बुढ़ाई। कहने का मतलब है चारों तरफ कास के फूल लग जाए तो समझ लेना कि बरसात बूढ़ी हो गई है। शिक्षाविद परशुराम तिवारी ने बताया कि कास के फूल का जिक्र रामचरितमानस में है। यह सही है कि इसके फूल समय से पहले लगने लगे हैं। इसके महत्व के इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश बेहद कम हो रही है। आने वाले पीढ़ी को इसके महत्व को समझने की जरूरत है। कासी का फूल आपको चारों तरफ फूला हुआ दिखाई दे दिया, इसका मतलब है कि वर्षा बुढ़ा गई है और बरसात की आस आप मत रखिए। रामचरितमानस में संत शिवदास जी ने कहा है कि फूले कांस सकल मही छाई, जनी वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। मतलब जब आप कांस को फुलाए हुए आप देख लें चारों तरफ आपको उजला दिखाई दे, तब आप समझ लीजिए कि अब बरसात जो है वो बुढ़ा गई है। अब बरसात के पानी का आप आशा न रखें। कास के फूल का प्रकृति के साथ साथ व्यावसायिक महत्व भी है। पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर कास के फूल से बने हुए झाड़ू का कारोबार है। नवरात्र के दौरान भी कास और उसके फूल से बने हुए सामग्री का इस्तेमाल होता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी मुखाग्नि के लिए कास के पौधे का इस्तेमाल होता है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।